मम्मी जायका में आप सबका स्वागत है। आज हम बहुत ही टेस्टी इमली, गुड़ और खजूर की चटनी बनाने जा रहे हैं। उसकी सामग्री इस प्रकार है, ये 100 ग्राम खजूर है, 100 ग्राम गुड़ है और 100 ग्राम इमली है, ये एक बड़ा चम्मच साबुत धनिया है, आधा चम्मच काला नमक है, एक चम्मच सादा सफेद वाला नमक है, एक चम्मच सॉल्ट पाउडर, एक चम्मच चिली फ्लेक्स, एक चम्मच लाल मिर्च। अब हम एक बाउल में 2 गिलास पानी डालेंगे और इसमें ये सारे सामान डालेंगे। गैस का फ्लेम ऑन करके इसको 10 से 15 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे, जब तक कि हमारी खजूर, इमली और गुड़ पूरी तरीके से गल नहीं जाते। लगभग अब हम चेक करते हैं, 20 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए हमारी इमली, खजूर और सब गल चुकी है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे। हमारी गुड़, खजूर और इमली ठंडी हो चुकी है। अब हम इसे ऐसी चलनी लेंगे, इसमें छानेंगे इसको ताकि इसकी सारी गुठलियाँ निकल जाए। आप चाहे तो थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं। ये देखिए थोड़ा सा पानी डालेंगे, एक टेबल स्पून जितना। इसी तरह से हम हमारी पूरी चटनी को छान लेंगे। ये जो इसका कचरा बचा है, इससे आप पीतल के बर्तन और लोहे के बर्तन साफ कर सकते हैं। अब हम हमारी चटनी को दिखाते हैं। ये देखिए आप इसमें नमक अपने स्वाद के हिसाब से डालिए। इसको आप 6 महीने तक फ्रिज में रख सकते हैं, फ्रीजर में। देखिए मैं दिखाती हूँ, देखिए ऐसी बोतल में आप इसको भर के फ्रीजर में 6 महीने 8 महीने के लिए रख सकते हैं। ये मेरी 3-4 महीने पुरानी चटनी है। मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिए। फिर मिलते हैं